आपका आप देख रहे हैं लोकमंच। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात भारतीय अर्थव्यवस्था की। जाने माने अर्थशास्त्री के नेतृत्व में चल रहे इस देश की मौजूदा विकास दर, या कहें 2012-13 की विकास दर 5% के आसपास सिमटी है। जानकार बता रहे हैं ये पिछले एक दशक में सबसे कम है। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि क्षेत्र में जो जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो अब नहीं दिख पा रही है। और इस विकास दर के बाद जो लक्ष्य रखे जा रहे थे 12वीं पंचवर्षीय योजना में, अब उनसे क्या कुछ उम्मीदें की जाए? चुनाव से पहले ये आंकड़े क्या कुछ बताते हैं? ऐसे में सरकार के पास क्या कुछ विकल्प बचते हैं? आर्थिक सुधार के जो तमाम घोषणाएं की गई थी, क्या उन्हें वास्तव में आर्थिक सुधार माना जाए? अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों का डर क्या एक बार फिर सामने होगा या नहीं? ऐसे कुछ बुनियादी सवाल हैं। और ये आंकड़े आपके और हमारे जीवन में किस तरीके का बदलाव लाते हैं, किस तरीके का असर छोड़ते हैं? मसलन आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है, आपके रोजगार पर, आपके भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है? यही सब कुछ समझने की कोशिश होगी आज लोकमंच में। चार खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने अर्थशास्त्री कमल नयन कावरा साहब। लगातार सरकार की गलत नीतियों को कोसते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंजन रॉय, आप भी जाने माने अर्थशास्त्री हैं, सलाहकार रह चुके हैं फिक्की के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ेंगे RIS से डॉक्टर राम उपेंद्र दास। डॉक्टर दास आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ जुड़ेंगे एक और खास मेहमान वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रकाश चावला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कावरा साहब आपसे मैं सबसे पहले समझना चाहूँगा, हम कोसने को आलोचना कह सकते हैं, लेकिन इस 5% विकास दर के आंकड़े का क्या कुछ मतलब है मौजूदा दौर में? देखिए अनुराग, मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे आप आर्थिक वृद्धि दर के लिए ये विकास कर रहे हैं, अंडरग्रेजुएट जो होता है वो भी जानता है कि GDP की वृद्धि विकास का कोई सूचक नहीं है। ठीक बात, क्योंकि विकास के तो अर्थ और मीनिंग भी शुरू से बच्चों को बताया जाता है कि दूसरा होता है। तो अभी जो स्थिति है उसको आप 2-3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये है कि दुनिया में जो धनी और आगे वाले देश हैं कई सालों से वो पिछड़े हुए हैं। खासकर आप जापान देखिए, 80 के दशक से ही लगातार और खासकर 90 के दशक से थोड़ी तेजी से उनके जो आर्थिक बढ़त की दर है वो काफ़ी कम रही, लंबा रिसेशन है और कई देशों में रिसेशन चल रहा है। तो जो बड़े विशाल देश हैं उन्हें चीन के अलावा कोई भी हमारी बराबरी नहीं कर पा रहा है। पर ये वृद्धि जो है और जो आकार हो रहा है, जैसे अभी एक शायद करके एक आंकड़ा दिया गया था कि OECD के अनुसार हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का आकार, उनकी रिपोर्ट का नाम भी है साइज ऑफ इकोनॉमीज, उसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान शायद 3rd नंबर पर आ गया है। परंतु उसमें ये बताया कि वह साइज है और वो न चालू कीमतों पर है, वो केवल PPP पर, परचेजिंग पावर पर, GDP पर, अर्थात हर देश के करेंसी को एक मूल्य पर प्रकट करे तो क्या साबित होता है उसे दिखाते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ साफ से नज़र आती है कि हिंदुस्तान में जो भी जनता के जीवन से जुड़े हुए आंकड़े हैं, तथ्य हैं, रोजगार को ले लीजिए, महंगाई को ले लीजिए, और सबसे बड़ी जो गंभीर बात है कि अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है जी, उसमें आपने अभी कहा और बहुत सही कहा कि खेती गिर रही है, उद्योग धंधे नहीं बढ़ रहे हैं, तो बढ़ता रहा है सर्विसेज। तो ये एक बात समझने के लिए सुनवाई ठीक है। जो आप पैसा खर्च करते हैं किसी चीज़ पर, चाहे सरकार अपने बजट से खर्च करे, चाहे आप डॉक्टर और लॉयर की फीस पर खर्च करे, वो इमीडिएटली इनकम बन जाता है। तो इससे कोई उत्पादन मिलता हो जिससे लोग की जेब में जो पैसा आता हो उस पर वो खर्च करे। लेकिन इन क्षेत्रों के जो कुछ आंकड़े आए हैं उनके क्या कुछ फायदे निकाले जा सकते हैं आने वाले इस वित्तीय वर्ष में? लेकिन अंजन रॉय साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये 5% का आंकड़ा क्या पहले से आप लोग समझ रहे थे कि लगभग विकास वृद्धि दर, उसको अगर हम कहें विकास दर ना कहें, वो 5% पर आकर सिमटनी है? क्या ये आंकड़ा वास्तव में चौंकाने वाला है? 5% 5% ग्रोथ ऑफ GDP, विच आई विल डिफर विथ कावरा साहब, इट इज अ मेजर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिकॉज after all you are generating income and that is going to some people anyway, but this is not bad. I mean, it's not altogether bad, but yes, we were growing by 9% from there. 5% is a big fall, but what is worrying, he has pointed out that some of the basic upstream industries are not growing. For example, mining and quarrying, which is base of the economy, is not growing. Metals production is not growing.
manufacturing is absolutely flat. So these are worrisome indicators and some steps should be taken. डॉक्टर दास, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, जैसी बात यहाँ पर अंजन रॉय साहब कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि 5% अगर वृद्धि दर हमारी है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या आपको भी लगता है? क्योंकि हमने यही बीते कुछ सालों में 9% 9.5% की विकास दर देखी है, ऐसे में क्या वास्तव में 5% के आंकड़े पर परेशान होने की, चिंतित होने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि जैसा कि आप दोनों ने अभी बताया, इसका उत्तर कहीं बीच में है जी। क्योंकि अगर आर्थिक जो मंदी है उसके परिप्रेक्ष्य में भी देखें, और हमारे यहाँ भी जो इंटरेस्ट रेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा नहीं हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मुझे लगता है कि अगर GDP 5% की रेट से बढ़ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारी गति GDP की उसमें कमी आई है जब हम तुलना करते हैं 8 या 9% वृद्धि है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वृद्धि नहीं है। तो इसी मतलब ये है कि जब वृद्धि की दर गिरती है तो लोग समझते हैं कि इकोनॉमी जो है डिरेल हो रही है या कहीं पीछे जा रही है जी। मेरे समझ से ये नहीं है, हमारी इकोनॉमी आगे ही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जानकार आपले बताते थे कि अगर आपको देश में गरीबी कम करनी है तो आपको 8% 9% पर कम से कम वृद्धि दर को ले जाना होगा, अगर आपको रोजगार ज्यादा बढ़ाना है तो आपको यहाँ तक कम से कम विकास दर को आगे बढ़ाना होगा, क्या उन लक्ष्यों के लिए एक बड़ा झटका आपको लगता है 5% विकास दर? बड़ा झटका तो मैं अभी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार ने कुछ ऐसे कदम पिछले कुछ महीनों में उठाए हैं और पिछले बजट में भी था, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आर्थिक व्यवस्था में हमेशा जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ लैग होता है जी, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और एक जो मुद्दा होता है एक्सपेक्टेशन का, उसको भी ध्यान में रखना ठीक है। तो बहुत सारी नीतियाँ ऐसी हैं जिनका की प्रभाव अभी हमें नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है कि कुछ लैग के बाद जरूर दिखना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि हमारी अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव ना हो जाए। कुछ ऐसी नीतियाँ जिनसे आपको लगता हो कि आने वाले समय में तस्वीर बेहतर होगी, ये गारंटेड सा है? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ ऐसी नीतियाँ सरकार ने अभी कुछ कदम ऐसे उठाए हैं, जैसे मसलन कोई आप बता, जैसे कि बहुत सारे आप फाइनेंशियल सेक्टर में भी अगर रिफॉर्म्स देखें, जिस तरह से हमने बहुत सारे सेक्टर्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई है, अभी हमने इंटरेस्ट रेट रेपो रेट पर भी RBI ने कदम उठाए हैं, इन सबका मिला जुला मुझे लगता है एक समन्वित प्रभाव GDP की विकास GDP की वृद्धि दर पे पढ़ना चाहिए, हालांकि वो इतना अभी नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हम खुद अब थोड़े से लोअर बेस से स्टार्ट करेंगे, तो अब ये तुरंत ही इस साल जो है 8-9% तो नहीं होगा, मेरे समझ से 6-6.5% भी हो जाए, तो अगले बार जो है उसका बेस जब हाई होगा तो ज़्यादा तो और ज़्यादा ठीक बात। लेकिन प्रकाश जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, आखिर क्या वजह रहती है जो आपको नज़र आती है जिसके चलते हम 2 साल के भीतर ही 9-9.5% से 5% पर आकर सिमट जाते हैं? इसमें आपको ज़रा पूरा परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा, आफ्टर ऑल आप अकेले तो नहीं चल रहे, चाइना ग्रो कर रहा था 10% प्लस से, अभी वो 8% ही नीचे आ गया, जो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट इकॉनमी है, उस सूरत में जब सारी दुनिया नीचे ग्रो कर रहा है, सबकी सारी दुनिया की ग्रोथ नीचे है, तो आपकी अकेले की ग्रोथ तो हाई नहीं हो जाएगी ठीक। आपको आफ्टर ऑल अभी हमारा एक्सपोर्ट का जो शेयर है ओवरऑल GDP में वो बढ़ता जा रहा है, इम्पोर्ट का भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि हम खाली एक्सपोर्ट का ही बढ़ता जा रहा है, उस सूरत में आपको पूरा परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि वैश्विक हालात तो इस तरीके के बने हुए हैं जिसकी वजह से 5% पर आकर हमें ठहरना ही था? नहीं, ऐसा नहीं है, एक कारण वैश्विक हालात है, जो विश्व की जो मंदी है वो एक कारण, बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण ये है कि जिसको बोलते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं है आज की डेट में, लोग खर्च नहीं कर रहे, अगर मेरे पास पैसा है भी तो मैं डरा हूँ या कल क्या होगा, फियर ऑफ अननोन है। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 5% आर्थिक वृद्धि दर इस वित्तीय वर्ष की, क्या आपको भी लगता है वैश्विक हालात इसके पीछे बड़ी वजह है प्रकाश जी? ये देखो, वैश्विक हालात की अगर एक बार आर्गुमेंट हम स्वीकार करेंगे तो विश्व बाजार में
खाद्यान्नों की कीमतें मंदी के कारण कम हुए हैं, यहाँ तो बढ़ रहे हैं 10% से 20% तक। तो ये तर्क अगर एक दफा आप लोगे विश्व स्तर पे, जीडीपी के लिए विश्व स्तर और महंगाई के लिए, महंगाई के लिए बोले लोकल फैक्टर, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए बात साफ है कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था के संचालन में चूक गए हैं, इस बार फेल हुए हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि क्या वो यही मनमोहन जी है जो वित्त मंत्री करके आर्थिक सुधारों को उन्होंने गति दिया था, लेकिन शायद वित्त मंत्री जो नरसिंह राव के नेतृत्व में काम करते थे वो ज्यादा प्रभावित थे कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन जी सोनिया के नेतृत्व में काम कर रहे, ऐसा लगता है इतिहास। लेकिन सर राजनीति के लिए ही सही, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 5% आंकड़ा कोई बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है और कुछ नया भी नहीं है, आपके शासनकाल में 4% के आसपास सिमट कर रह जाता था ये पूरा आंकड़ा। ये बहुत आपने अच्छा कहा, अटल जी ने जब 98 में शुरुआत की थी तो अर्थव्यवस्था की दर, आर्थिक विकास की दर 4.5% थी 98 की। 2004 तक उन्होंने 8.35 तक ले पहुंचाया, तो उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते वहां तक ले गए। एक साउंड इकोनॉमी यूपीए के हाथ में थी जी, यूपीए वापस 10 साल में 4.5% तक लाके हमें वापस देगा, ये मैं देख रहा हूँ। तो ये किसी को इसमें अगर बहुत कुछ गुण शोर ढूंढने हैं तो भगवान ही ढूंढे, लेकिन मिलेगा नहीं। मुख्य दो बातें हैं, बड़ी विफलता है दो बातों की है। प्लानिंग कमीशन ने मान लिया कि एनडीए के जमाने में 1,20,00,000 रोजगार प्रतिवर्ष तैयार हुए, क्योंकि उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बनी, इसमें जॉब का संकोच हुआ, ये जॉबलेस ग्रोथ है, जो कम ग्रोथ है वो भी जॉबलेस ग्रोथ है। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि लोग जॉब के बिना स्वाभिमान से नहीं जी सकते। ठीक है, और दूसरी बात महत्वपूर्ण है किसान के लिए भी देखो और विकास की गति भी। आज अगर 5% विकास की गति दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले और एनडीए के नेतृत्व वाले सभी राज्यों ने लगभग 9%, 10%, 15%, 12% इतना विकास का दर कायम किया है, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ी है। अगर 3.5% कृषि का विकास दर आज बता रहे हैं और प्रधानमंत्री उसके लिए खुश है, तो 3.5% विकास दर में बीजेपी के सभी राज्य और एनडीए के राज्य 10% से ज्यादा तरक्की लगातार कर रहे हैं। तो ये एक एक चेहरा दिखने को मिलता है। एक चीज आखिर में मैं आपसे और समझना चाहूंगा प्रकाश जी, मैं आपकी जगह आपको रोक रहा हूँ। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए संसद के स्तर पर, विधायी स्तर पर अगर विपक्ष की जरूरत दिखती है तो क्या आपको लगता है विपक्ष साथ खड़ा है सत्ता पक्ष के, क्योंकि बहुत सारे लंबित विधेयक हैं जो सालों से इंतजार कर रहे हैं। मैं बताऊं, महंगाई के लिए 8 बार चर्चा हुई सदन में, और आप निकाल के देखेंगे तो एक से बढ़कर एक अच्छे सुझाव दिए, और हमने प्रमुखता से ये मुद्दा रखा कि आप केवल इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर मनी सप्लाई को स्क्वीज कर रहे हो और उससे महंगाई कम होगी या अपेक्षा आपकी है, ये सच नहीं है। अनलेस यू एड्रेस द सप्लाई साइड मैनेजमेंट, इट विल नॉट हैपन। अटल जी के जमाने में कोई जादू नहीं थी, हमने इतना किया कि कभी भी बाजार में थोड़े दाम बढ़ने लगे तो तुरंत 25-30 लाख टन अनाज मार्केट में फेंका तो उससे दाम कम हो गए। अब ये फॉर्मूला टेस्टेड ट्राइड था, लेकिन ये नहीं किया। अब खाद्यान्नों की इंपोर्ट 2003 कुछ नहीं था, आज 60,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हो। खाद्य सुरक्षा विधेयक की भी बात की जा रही है। सर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारे तर्क हैं जिनसे आप सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जावड़ेकर जी, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता को। यहाँ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानकारों से यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसमें कितना दम आपको नजर आता है। छोटे से ब्रेक के बाद छठवां महीना चल रहा है। अरे बाबूजी, आराम करोगी तो काम कैसे खत्म होगा। तू
आराम कर, मैं कर दूंगी। अरे मैं कर दूंगी, मैं भी कर दूंगा। गर्भ के दौरान ध्यान रखें कि गर्भवती माँ दिन में कम से कम 2 घंटे जरूर आराम करे और रात में कम से कम 8 घंटे सोए। साथ ही घर में एक खुशी का माहौल बनाए रखें। और वो 4 बातें याद है ना? 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। मानव शरीर की बीमारियों से बचाव के विभिन्न तरीके एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धति व उसमें उपयोग किए जाने वाले उन्नत उपकरणों को समझिए लोकसभा टीवी से। प्रत्येक शनिवार प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जीते रहो में। 4, 5, 6, 5 अरे बाप, दिमाग तो हवाई जहाज का। हवाई जहाज नहीं, रॉकेट। हाँ हाँ, रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। हाँ? मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार नहीं होगी, खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। जी तो बड़ी दूर की सोची आपने। तू भी सोच, घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। शुरू कर निर्मल भारत अभियान। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। Like so many others, my mornings begin with a hot steaming cup of chai. It is this humble room that's responsible for how a billion plus Indians begin their mornings day after day. I'm in the heart of India's best-known tea-growing region, and I'm going to take you on a journey to discover more about the life of chai. आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास की। ब्रेक पर जाने से पहले हम सुन रहे थे प्रकाश जावड़ेकर को, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो बता रहे थे कि अगर विकास हो भी रहा है तो वो रोजगार विहीन है, किसान परेशान है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। हमारी कोशिश होगी इसी मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का रुख जानने की भी, लेकिन कावड़ा साहब मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो बात यहाँ बीजेपी की तरफ से की जा रही है, प्रमुख प्रतिपक्ष है, कुछ दम आपको नज़र आता है इन तरफों में? देखिए सबसे प्रमुख बात जो है वो हम नतीजों की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमारे यहाँ बेहतर नतीजे निकले, वो चाहे आंशिक शक्ति ही हो, पर असली बात जो है अगर नीतियाँ एक है, कार्य एक है, दोनों में वो भी फ़र्क बताए कि हमने कुछ नई नीतियाँ, अलग किस्म की नीतियाँ की, उन्होंने भी वही 1991 वाली गाड़ी को आगे चलाया, उनकी मुक्तगंज से प्रशंसा की कि उन्होंने ये नीतियाँ शुरू की, तो उन्हीं नीतियों के जरिए उनको अच्छा नतीजा मिला वो कह रहे हैं और उनको नहीं मिला, तो ये कैसे हो संभव है कि इसका जो निष्कर्ष आम आदमी निकालेगा कि भाई आपकी नीतियों में कुछ खोट है, जिससे कि इनको लगा करके वो जो पूरा परिवेश बदल रहा है। अर्थव्यवस्था में होता है कि कल जो होता है वो आज जो हुआ। लेकिन जो तर्क बीजेपी की तरफ से यहाँ दिया गया कि अगर आप वैश्विक हालात को जिम्मेदार मानते हैं इस इन आंकड़ों के लिए, तो फिर बाकी सब चीज़ों के लिए आप अलग रुख क्यों अपनाते हैं? जहाँ तक सवाल है, IMF तक ने कहा है, केंद्र सरकार की नीतियों का हिमायती है, कि हमारा बहुत मार्जिनल रोल रहा है। वैसे भी देखिए क्या हो रहा है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, आपके यहाँ बाहर से पैसा आ रहा है, कसर गिन के जरिए होता, आपके इम्पोर्ट्स धराधम किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का प्रोपोर्शन जी आज 85% हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, हिंदुस्तानी कंपनियाँ बाहर जा रही हैं, उनके यहाँ बाजार नहीं मिल रहा है। ठीक बात। तो इससे ये कहना कि बाहर के कारण जिम्मेदार है, ये केवल अनाज की बात नहीं है, मुख्य बात यह है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ग्लोबल अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है और ग्लोबलाइज 52% के करीब ग्लोबलाइज हिंदुस्तान के। आप कह रहे हैं कि वैश्विक हालात का जो बार बार हवाला दिया जाता है कि अगर अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है तो उसके लिए दुनिया के हालात जिम्मेदार नहीं है। राशिद अलवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय
अर्थव्यवस्था की रफ्तार उतनी अच्छी क्यों नहीं दिख रही जितनी अच्छी कुछ साल पहले हमने देखी थी। कुछ समय पहले प्रकाश जावड़ेकर साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि सरकार नीतियों के स्तर पर विफल रही है और जिस विकास की बात कर रही है उसमें ना तो रोजगार है ना ही किसानों की खुशहाली। आपकी राय इस 5% के आंकड़े को लेकर? देखिए, एक बात तो मैं कहूँगा कि अगर ये माना जाता है कि 2 साल पहले सब कुछ ठीक ठाक था तो 2 साल पहले भी हमारी ही सरकार थी, किसी और की सरकार की थी जी। और अगर 2 साल पहले कहें जी राशि जी, चलिए लगता है राशिद अलवी साहब से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। हमारी कोशिश होगी दोबारा एक बार फिर जुड़ने की और उनसे उनकी बात को समझने की। अंजन रॉय साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, वैश्विक हालात बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है, काबरा साहब इस बात पर जोर दे रहे हैं, आपको भी लगता है क्या? देखिए, ग्लोबल इकॉनमी इज नॉट कंडीशन इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग इंडिया एज मच एज अदर कंट्रीज, वी आर नॉट दैट इंटीग्रेटेड। व्हाट प्रकाश जी से दैट ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस आर फॉलिंग एंड इंडियन फूड प्राइसेस आर राइजिंग, नाउ इट मींस दैट प्रकाश जी इज इन फेवर ऑफ अनलिमिटेड इंपोर्ट्स ऑफ चीपर फूड आइटम्स फ्रॉम ओवरसीज। Is that the reason? Is that the solution? Certainly not. What we have to do is to develop our farm base, and that is what is what is happening. We are growing for the last 20 years. People at the lowest level are at least getting some little income, and they are spending first on food items, and that is creating this demand for food. We have seen, and it is well documented now, that Indian demand. Food demand and consumption pattern is changing. They are protein-based food, so those prices are actually rising. So we have to keep pace with the changing diet or changing preferences, demand of the economy. That is not happening. So 30 rupees kilo gehun milta hai, to aap kaun se protein ki baat kar rahe hain? Now, see, this is absolutely unwarranted because we have such a huge lot of buffer stock of food. जिम्मेदार उसको बता रहे हैं, जिम्मेदार हूँ नहीं, 30 rupees kilo गेहूँ बिक रहा है, but vegetables price eggs and meat price is rising. We have never seen this. The nature of inflation in India has changed. It has changed from food, grains based inflation to vegetables, fruits, eggs, meats, that kind of price. Dr. Das, प्राथमिकता हो सकता है भारतीय उपभोक्ताओं की, भारतीय लोगों की बदल रही है, सरकार की तरफ से भी बार बार ये तर्क दिया जाता है जब महंगाई की बात की जाती है, लेकिन क्या इस समस्या का कुछ समाधान है जिसके बाद हम ये कह सकें कि अब भले ही आपकी खाने की आदतें बदल रही हों लेकिन उसका असर किसी तरीके से महंगाई के आंकड़ों पर नहीं पड़ेगा? और इन सब के पीछे जो मूल में है भारतीय किसान, जिसको लेकर गंभीरता, सरकारी गंभीरता लगातार कम होती दिख रही है, क्या आपको लगता है वही एक बड़ी वजह है जिसके चलते कृषि क्षेत्र 1.9% पर आकर सिमट जाता है? देखिए, कभी कभी जो बहुत खराब दिखता है उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं वो भी एक बार फिर बात कीजिएगा। राशि जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, अब आवाज आ रही है जी। राशि जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं यही कहना था कि आपने देखा होगा 9 साल में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसी कदम को सही कदम नहीं उठाया बताया है। फूड सिक्योरिटी बिल है, उस पर भी तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को रात को सोने से पहले पेट भर के खाना मिलेगा, भाई फिर क्या इतराज है आपको, क्या परेशानी है इसके अंदर आपको? लेकिन कोई ना कोई इतराज वो इस मामले के अंदर भी निकाल लेंगे। ठीक बात, लेकिन सर यहाँ जवाब देता हूँ कि कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है, लेकिन आप इस बात बताइए कि गेहूँ का मिनिमम प्राइस आप कहेंगे कि बढ़ाना चाहिए, राइस का मिनिमम प्राइस बढ़ाना चाहिए, ठीक है, पेट्रोल डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगी तो महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी? लेकिन मैं एक बात बीजेपी से पूछता हूँ जी, आप 98 के अंदर आए थे तब कीमतें क्या थी और जब आप छोड़ के गए 2004 में तब कीमतें क्या थी? दाल की क्या कीमत थी, पेट्रोल की क्या कीमत थी, चावल की क्या कीमत थी, डीजल की क्या कीमत थी? आपके जमाने में भी कीमतें बढ़ी है। ठीक बात, चलिए इससे भी आगे एक बात और कहता हूँ मैं, 1947 से लेकर आज तक आप बताइए कि कीमतें कभी घटी? हमेशा कीमतें आगे की तरफ बढ़ती हैं, कभी तेजी के साथ,
कभी हल की। सर लेकिन जब एक जाने माने शास्त्री देश के प्रधानमंत्री हो तब उम्मीद लगती है, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ती हैं, लगता है जैसे अब कम से कम काफी कुछ ठीक हो पाएगा। क्या आप भी स्वीकारते हैं पिछले कुछ साल जब आप पर नीतिगत विफलता का आरोप लगता रहा, पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगता रहा, वो एक बड़ा संकट बनकर उभरा है अब भी? देखिए प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट हैं, जादूगर नहीं है, वो इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं, कोई जादुई डंडा उनके पास नहीं है। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस देश के लिए कितना मंगाया है, इस देश के अंदर कितने नए नए कदम सरकार ने उठाए हैं आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए। और आज अगर हम पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया हमारी तारीफ करती है कि ऐसी मंदी के अंदर, ऐसी आर्थिक स्थिति में जब पूरी दुनिया मुश्किल में है, हिंदुस्तान फिर भी कम से कम। लेकिन क्या युवा भारत आपकी तारीफ कर रहा है? क्या युवा भारत आपकी तारीफ कर रहा है? क्या किसान आपकी तारीफ कर रहा है? क्या उपभोक्ता आपकी तारीफ कर रहा है, भारतीय उपभोक्ता? देखिए मैं फिर आपसे कहूँगा कि यकीनन कीमतें बढ़ने से हम सब परेशान हैं, लेकिन आपको पूरी दुनिया का माहौल तो देखना होगा। आम आदमी और निचले तबके के आदमी को, गरीब आदमी को, वो सारा उसे अंदाजा नहीं होता है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। और इसी बात का फायदा भारतीय जनता उठाती है उन्हें गुमराह करने के लिए। अगर देश के हित में भारतीय जनता पार्टी सोचे तो हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो, देश के लोगों को बताए कि हाँ पूरी दुनिया में ये हो रहा है, जिन कारणों से हमारे यहाँ ये हो रहा है, ठीक बात, हमें ताकत दे देश को आगे ले जाने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अलवी साहब कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। काश राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी ईमानदारी दिख पाती जब प्रतिपक्ष भी सत्ता पक्ष की ही बात को बोलता, लोकतंत्र की परिभाषा ही शायद बदल जाती। डॉक्टर दास आप अपनी बात कह रहे थे, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा था किसानों की स्थिति को लेकर। जी देखिए, जब ये बात तो तय है कि लोगों की जो उपभोग करने की जो आदतें हैं उसमें बदलाव हुआ है, उसमें कितना प्रतिशत हुआ है और कितने लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन बदलाव हो रहा है। हमें करना क्या चाहिए कि जब इन्फ्लेशन आपको फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स दोनों में ही दिखता है तो उस इन्फ्लेशन का एडवांटेज उठाने की आवश्यकता है। अगर जो लोग उन्हीं व्यवसायों में अगर मोड़े जाएं जिससे कि जिन व्यवसायों के पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो हमें लगता है कि ये एक अपने आप में प्रॉफिटेबल वेंचर होगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत हद से बाहर ना जाए, ज़रूर वो हमें एडवर्सली अफेक्ट करता है, फार्मर्स को अफेक्ट करता है, लेकिन उन्हीं फार्मिंग कम्युनिटी को अगर हम उन दिशाओं में अगर हम प्रेरित करें, उनको सुविधाएं अच्छी दें जिससे कि उन्हीं वस्तुओं को उत्पादन करें, तो वही इन्फ्लेशन उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। ठीक है, लेकिन हम विविधता वाले देश में क्या ये संभव हो सकता है, ये भी अपने आप में बड़ी दिक्कत है। और क्या वो समझना किसान, भारतीय किसान राजनीतिक प्राथमिकता में है भी या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए ज्यादा तो राजनीति, मैं तो राजनीति की नहीं हूँ, लेकिन ज्यादा राजनीति तो फार्मिंग कम्युनिटी और एग्रीकल्चर पर होती है। तो हम लोग जब पॉलिटिक्स करते हैं तो कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि इसी को जब हम ग्रुप पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करें तो बहुत सारी चीजें जो हम सोच रहे हैं कि सब इंटरनल प्रॉब्लम है और एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है, नहीं, हमारे यहाँ हमेशा बहुत पोलराइज व्यू होते हैं और वो ध्रुवीकरण ठीक नहीं है। आर्थिक मंदी है और आज हमारे देश में ट्रेड ही 50% से ज़्यादा है हमारे जीडीपी का। अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इसमें जोड़ लें तो हमारा कितना एक्सटर्नलाइजेशन हो चुका है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आर्थिक मंदी का कोई असर पड़ा ही नहीं है तो ये गलत होगा। और साथ में ये कहें कि केवल उसी का असर पड़ा है और डोमेस्टिक इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी गलत है। तो एक बैलेंस अप्रोच जब तक हम नहीं रखेंगे तो हम सोल्यूशन पर पहुँच सकते हैं। पहले कृषि की ये बात और थोड़ा आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि उसके अलग अलग मायने हैं उपभोक्ता के लिहाज से भी, किसान के लिहाज से भी, देश की बड़ी आबादी के लिहाज से भी। क्या वजह है जब राज्यों के स्तर पर, खासतौर से उन राज्यों के स्तर पर जहाँ विपक्ष सत्ता में है, केंद्रीय विपक्ष सत्ता में है, वहाँ ये गिनाया जाता है कि यहाँ कृषि क्षेत्र में विकास के आंकड़े, वृद्धि के आंकड़े 10% से ज़्यादा हैं और हम केंद्र में देखते हैं तो वो 2% से भी कम है। इस अंतर के पीछे की वजह क्या है? नहीं, ये एक एक इसमें हिस्टोरिकल रीज़न आपको देखना पड़ेगा ना। अब आप गुजरात की बात करते हैं तब गुजरात हिस्टोरिकली आगे रहा है ना, इस अग्रिम स्टेट्स में ना गुजरात। तो अगर आप गुजरात को किसी स्टेट से कंपेयर कीजिएगा जहाँ हिस्टोरिकली वो लोग पीछे रहे, तो ये ठीक नहीं होगा। मैं एक चीज़ कहना पाऊँगा जो अभी आपने कहा जी, जब आप बात कर रहे थे
राशिद अलवी साहब से, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इकोनॉमिक, मैं भी आपसे पहले जिक्र कर रहा कि बाहर की ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम यहाँ है, लेकिन आपने जिक्र किया कि क्या उपभोक्ता, क्या किसान, क्या कंज्यूमर, क्या आम आदमी जिससे खुश है वो इकोनॉमिक नहीं समझता, ठीक, उसको अगर मार पड़ती है तो दुखी होता है, जब वो दुखी होता है तो ही डजंट वांट टू अंडरस्टैंड कि इसमें जीडीपी की ग्रोथ क्या है, वो आज की डेट में वो दुखी है, ये सबको मानना पड़ेगा, चाहे हम हों या अर्थशास्त्री हों या पॉलिटिशियन हो, सबको मानना पड़ेगा कि आज की डेट में यहाँ का युवा जो है उसको रोजगार नहीं मिल रहा, और जीडीपी जब ग्रोथ कम होती है तो जाहिर बात है रोजगार कम होगा, ठीक है, उसी तरह से महंगाई की मार पड़ती है तो आम उपभोक्ता परेशान होता है, किसान अपने आप में बहुत बड़ा उपभोक्ता है, सबसे विडंबना की बात यह है कि वो गेहूँ उगाता है और फिर वो 30 रुपये किलो जाके साल के एंड में जब उसका अनाज खत्म हो जाता है जाके खरीदता है, खुद खरीदता है, बड़ी समस्या है, उत्पाद का दाम वो खुद कहीं ना कहीं पे उस बेचारे की सब पे मार पड़ रही है, और ये सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है कि उस मार को कम से कम उसकी पीड़ा को कम करे। कावरा साहब, मैं अगर बहुत संक्षेप में आपसे समझने की कोशिश करूँ, मुझे एक ब्रेक भी लेना है, क्या नीतिगत विफलता जिसकी बात अभी मैं राशिद अलवी साहब से कह रहा था, पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगातार लगता रहा, क्या एक वो बड़ी वजह लगती है आपको इन आंकड़ों के पीछे? पॉलिसी पैरालिसिस तो सही है, पर पॉलिसी पैरालिसिस जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विदेशी लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पक्ष की ओर नीतियाँ करो, हम तो ज़्यादा मुनाफा दे, वो गलत है। तो जब इशारा होता है गल फोरम के बारे में ऐसे है, तो जैसे अनाज जितना सरकार खरीदती है उससे कम बाजार में डालती है। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी चीज़ है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, खेती में तरक्की के जो तरीके होते हैं वो कम हो रहे हैं, रोजगार के लिए आप 40,000 करोड़ रुपये एक आंशिक डालते हैं, जो उद्योगपतियों को 5.5 लाख करोड़ रुपये आप गिफ्ट करते हैं, जिनका एक अंश मात्र भी नहीं है, तो ये पॉलिसी पैरालिसिस तो है ही है, पर ये है गलत दिशा में भी है। आप करें कि नीतियों के स्तर पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए विकास के क्या मायने होने चाहिए, नीतिगत विफलता की बात जब हम करते हैं तो नीतिगत क्या फैसले लेने चाहिए इसको लेकर स्पष्टता नहीं है, हालांकि इसकी उम्मीद कम की जाती है, परिपक्वता बहुत ज़्यादा है राजनीतिक नेतृत्व में, समझकर या ना समझी में ऐसे कुछ फैसले हो रहे हैं, ये अलग स्वार्थों का सीधा आधार, ठीक बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समाधान क्या नज़र आता है जानकारों को, साथ ही साथ इस 5% के आंकड़े का क्या कुछ असर दिखेगा आने वाले दिनों में, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, रोजगार के लिहाज से, कृषि के लिहाज से, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी के लिहाज से, RBI से क्या कुछ उम्मीद की जाए या ना की जाए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा विस्तार से छोटे से ब्रेक के बाद। सरपंच ने पूछा, आज खाने में क्या बना? चावल, चना और हरी सब्जी कहाँ है? सरपंच ने दिया ध्यान, सरपंच ने दिया ध्यान, तो बने इतने पौष्टिक पकवान। मम्मी, मम्मी, हमको कितना अच्छा खाना मिलता है ना? बच्चों का अधिकार है शिक्षा और पौष्टिक आहार जुड़े किसी खेल कूद और पढ़ाई के लिए, मिलकर करें इनका बढ़ावा। मिड डे मील योजना का लाभ देश के 11 करोड़ से भी अधिक बच्चे पाते हैं। चकदू, लाइक सो मेनी अदर्स, माय मॉर्निंग्स बिगिन विद अ हॉट स्टीमिंग कप ऑफ चाय। It is this humble gloom that's responsible for how a billion plus Indians begin their mornings day after day. I'm in the heart of India's best known tea growing region, and I'm going to take you on a journey to discover more about the life of chai. काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ?
खुले में ही जाना पड़ेगा। बहू फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। Leaders around the world are with a very special person. Their policies inherit the necessary infrastructure in place. Their views in this successful story. We need to give serious attention to latest issues. Questions that matter. Split between Commonwealth countries and all. They include growth as such. Answers for the people. Lot level. Armed and justice of our country. Small parties are broadening the conversation. You don't have to destroy it for the constitutional apparatus. In talks with Rajiv Mishra every Saturday 8 p.m. in special guest only on Lok Sabha Television. All that you wanted to know. All that you wanted to see. Everything related to your health is what we tell you in Healthy India. Every Friday, 5 p.m. only on Lok Sabha Television. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच, जहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जीडीपी के आर्थिक वृद्धि दर के जो तमाम आंकड़े हैं, ताज़े आंकड़े हैं, जो ये कहते हैं कि 5% के आसपास पिछले वित्तीय वर्ष में विकास दर रही है, उसके क्या कुछ मायने हैं आपके लिए हमारे लिए। डॉक्टर दास, आपसे समझने की कोशिश करूंगा मैं, ये 5% पर वृद्धि दर का सिमटना क्या कुछ मायने हैं इसके इस युवा भारत में, जहां जानकार ये कहते हैं कि 65% आबादी 35 साल से कम लोगों की है। क्या रोजगार पर बहुत भयंकर असर पड़ने वाला है या सामान्य जैसी स्थिति है, रोजगार के अवसर अब भी उतने ही रहेंगे जितने आज से 2 साल पहले थे? रोजगार के अवसर पर इसका बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि वैसे भी क्या कहते हैं इलास्टिसिटी जी, जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ होती है हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से उसका जो लिंकेज है ग्रोथ से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना कि आप अपेक्षा करते हैं। तो इसलिए अगर ये ग्रोथ रेट 5% हो जाता है तो मुझे रोजगार की संभावनाओं पर एकदम से तुरंत असर पड़ेगा ये, क्योंकि अगर आप एक तरफ कहते हैं कि रोजगार की इलास्टिसिटी जो है बहुत हाई नहीं है, तो उस ग्रोथ की वजह से रोजगार नहीं बढ़ता है, तो ठीक वही कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। जब रोजगार नहीं बढ़ेगा ये नहीं मानना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको भी लगता है कि कुछ जनता ये कह रहे हैं कि रोजगार देने वाले जो उद्योग धंधे हैं वो लगातार सिमट रहे हैं, मतलब आप डीबीटी की बात कर रहे हो, आप महात्मा गांधी नरेगा की बात कर रहे हो, लेकिन वो इंडस्ट्री जो रोजगार जनरेट करती थी उसका दायरा लगातार कम हो रहा है और उसका असर आने वाले दिनों में रोजगार पर भी पड़ सकता है, क्या आपको लगता है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि एक टोटल क्वांटिटी किसी चीज की, जैसे राष्ट्रीय उत्पादन है वस्तु और सेवाओं का, वो क्या है, उसका असर तभी आम आदमी की जिंदगी पर हो सकता है जब उसको आप इलास्टिसिटी वगैरह के रूप में निकालते हैं, ऐसे समझे कि उन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है जिनकी लोगों को ज़रूरत है। लोगों को ज़रूरत है अनाज की, कपड़े की। आप जीडीपी में जो देखेंगे कि आम उपभोग की वस्तुओं का जो अनुपात है, इंडेक्स नंबर है, वो कम हो रहा है और अनावश्यक या गैर ज़रूरी वस्तुएँ हैं, जैसे आप देखिए अनाज के शेयर जीडीपी में और कारों और ऑटोमोबाइल्स और ठीक चीज़ों का वो लगभग बराबर हो रहा है। तो आप भूखे लोगों को सोने की मोहरी दे देंगे तो क्या होगा, पेट तो नहीं भरने वाला है। वही बात इस साल का जो सरकारी आर्थिक सर्वे है वो जबरदस्त रूप में ग्रोथ सेकंड चैप्टर में उसका बहुत बखूबी से लिखा गया है। उसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ खेती को छोड़ करके भी 70% जॉब ऐसे उनको इन्फॉर्मल जॉब और उनकी दूसरे शब्दों के तो गुड जॉब नहीं है। ठीक है भाई, समावेशी विकास की प्रथम शर्त है गुड जॉब्स, और वो नहीं हो रहे हैं। तो ये आप लिपापोति करके रिलीफ लोग दे रहे हैं, और क्या उस स्थिति को इन आंकड़ों से भी जोड़कर देखा जा सकता है? क्या उस स्थिति को इन आंकड़ों से भी जोड़कर देखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल देखा जा सकता है कि इन आंकड़ों में एक जो चीज़ दिखाई गई है उसको अगर एक शब्द में कहें कि डिस्कनेक्ट,
उत्पादन में और लोगों की जिंदगी में और लोगों के जरूरी में ये कहते हैं ना सीजर्स जो इसके कैंची के दो फाले हैं वो अलग अलग दिशा में जा रही है। ठीक है, वो क्राइसिस अन्य एक और दूसरी बात वो ये कि गरीबी खत्म करने की, गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ, गरीबी खत्म करने की दिशा में जो आपके तमाम प्रयास अब तक चल रहे हैं, आपकी जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, क्या उस पर किसी तरीके का असर अब आपको दिखता है जब हम 5% पर आकर सिमटते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का ये तर्क है कि अगर हम 8-9% की रफ्तार से आके बढ़ रहे होते तो शायद इस लक्ष्य को जल्दी हासिल किया जा सकता था। टू एस्पेक्ट्स टू दिस, फर्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट वी आर जनरेटिंग। इफ वी आर जनरेटिंग सेल्फ सस्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, गुड क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट व्हाट ही इज रेफरिंग टू, देन इट दैट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। What is happening? You have all these schemes in rural employment guarantees, schemes and all that. That is not self-sustaining jobs as such. It's not good quality job. So, iske liye, see, 1% GDP growth means we are generating 10 lakh additional jobs. This is the rough calculation. ठीक, and this is the डॉक्टर दास आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक, मैं इनकी बात से पूरी सहमत हूँ। काबरा साहब से मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहता हूँ कि अगर आप इन्हीं आंकड़ों से इस जॉब वाली समस्या को जोड़ें तो आप देखिए कि जो मेरे पास आया है कि 2012-13 पर कैपिटा नेशनल इनकम इन रियल टर्म्स is estimated to have risen from 39,000 roughly to from 38,000 in 2011 and 12. और growth rate जो उसका 12 और 13 की year में है वो 3% है और हालांकि 4.7% था वो 11-12 में। तो अगर GDP growth 5% के साथ साथ हमें 3.5% से plus per capita income में भी growth दे रहा है तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि इनकम जनरेशन हो कैसी रही है। तो हमें ये बस समझना चाहिए कि रोजगार जब उसी अनुपात में नहीं बढ़ता है जिसमें जब वृद्धि होती है जीडीपी में, तो उसका मतलब ये नहीं कि रोजगार बढ़ नहीं रहा है। ठीक बात, रोजगार बढ़ रहा है जी। अगर आप कितनी पूरी संख्या हमारे यहाँ लेबर फोर्स है उसके अनुपात में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जीडीपी में वो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट ऑफ ग्रोथ में है वो पॉजिटिव एसोसिएशन है। नहीं, तो इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहा है, ये इनफॉर्मल सेक्टर को इनफॉर्मल नहीं माना जाता है, जैसा भी इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो जिंदा रहने के लिए आदमी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। संगठित क्षेत्र में वैसे ही रोजगार की भी एम्प्लॉयमेंट घट रहे हैं, वो अपने आप में दिक्कत हो सकती है। अनिल जी कुछ और भी मुद्दे हैं उन पर भी मैं आप लोगों की राय समझना चाहूंगा। युवा और रोजगार अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, इस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। बहुत संक्षेप में प्रकाश जी आपसे भी जानना चाहूंगा, गरीबी खत्म करने की मुहिम के लिए क्या कोई झटका आपको लगता है 5% विकास दर? ये जब विकास दर कम होगा तो जाहिर बात है, मैं तो जरा इकोनॉमिस्ट की बात करता रही, मैं एज ए जर्नलिस्ट बात करता हूँ। नौकरियाँ बड़ी जरूरी है, नौकरियाँ तब आएंगी जब विकास दर होगा, लेट अस फेस इट। ठीक है, और नौकरियाँ जब है ऑटोमोबाइल में, अब कार मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान में अगर होगी, कार का हिंदुस्तान में इस्तेमाल होगा तो नौकरी भी मिलेगी। जो वर्कर वहाँ काम करता है उसको वहाँ 10-15 हज़ार अगर तनख्वाह मिलती है, अगर मान लीजिए एक आज अब आजकल भी आंकड़े हैं ऑटोमोबाइल के, सारा नीचे जा रहा है, जब नीचे जा रहा तो एक्सपेंशन कैसे होगा? एक्सपेंशन नहीं होगा तो नौकरियाँ कैसे मिलेंगी? जब नौकरियाँ नहीं मिलेंगी तो विकास दर कम होगा तो गरीबी और बढ़ेगी। हमको नौकरियाँ चाहिए, वी नीड जॉब्स, और आपको उस लिहाज से ये आंकड़े बड़े ही महत्वपूर्ण है, बड़े इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको सीधी बात एक ही समझ आती है, जब तक आप रोजगार नहीं बनाएंगे, और रोजगार आपको बनाना पड़ेगा जाके कृषि से आगे चल के। ठीक, खाली कृषि में हम निर्भर रहेंगे सारी उम्र के लिए, हमेशा के लिए, वो ठीक बात नहीं। ठीक बात, और पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर दास अंतर्राष्ट्रीय जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं उनका डर बहुत ज़्यादा दिखता रहा है, खासतौर से तब जब हमारे देश में इस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं। 5% के बाद ये जो डर है अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों का, क्या एक बार फिर आपको बढ़ता दिखता है और उसके बाद सरकार पर दबाव, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सरकार की आलोचना और उसके बाद आर्थिक कथित आर्थिक सुधारों की घोषणा, क्या कुछ इस तरीके का क्रम आपको एक बार फिर दिखता है? इसी चीज को मैं बहुत पहले हाईलाइट कर रहा था कि अर्थव्यवस्था में एक्सपेक्टेशंस का बहुत महत्व है, जो बहुत मेन स्ट्रीम एनालिसिस में कई बार नहीं आता है। तो ये हमारा दायित्व तो है कि हालांकि दिक्कतों को हम समझ रहे हैं और उनके समाधानों के ऊपर हमें काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, सब कुछ सब ठीक नहीं हो गया है, लेकिन
ये बहुत आवश्यक है। हमारे ही देश के राजनीतिक विश्लेषक, अर्थशास्त्रियों और मीडिया के लोगों को कि विश्व को हम ये दिखाएं कि आप भारत से और बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा अपेक्षा कर सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दोनों फ्रंट के। क्योंकि जब तक हम ये खुद सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम के साथ बाहर नहीं प्रोजेक्ट करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो आपको डाउनग्रेड करेंगे। डाउनग्रेड कहा जाता रहा है, सरकार के स्तर पर तमाम मंत्री प्रधानमंत्री बार बार आश्वासन देते रहे हैं कि विकास दर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इस वक्त अगर 5% का अनुमान लगा रहे हैं आप लोग तो 6% जाएगी, 8% जाएगी, इस तरीके के संदेश तो लगातार दिए जाते रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े सामने आते हैं क्या उसका असर वास्तव में रेटिंग एजेंसियों पर दिखता है? दिखता है। देखिए आप अगर मैक्रो फंडामेंटल्स देखें तो अभी भी इन ग्रोथ फिगर्स के साथ अगर आप मैक्रो फंडामेंटल्स को देखें तो अभी भी वो इतने खराब नहीं है कि रेटिंग एजेंसियां उनको पुल डाउन कर दें। ठीक। लेकिन अगर हम विश्लेषण ही ऋणात्मक तरीके से उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो दूसरे को उसको डाउन कर अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। अंजन भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए क्रेडिट रेटिंग के बारे में New data has come only last Saturday, where the government's finances have been given out, where they are showing that fiscal deficit has come down for last year from 5.2% to 4.9%. This is a very positive development. Now, down below they are giving disaggregated figures also of revenue and this. Now, that is a very positive development for credit rating agencies. They will definitely go behind the data, but right now I don't think there is too much of a risk of a downgrade. Or चलिए अच्छी बात है और राहत की बात भी है, कम से कम मीडिया के लिए भी, सरकार के लिए भी, साफ के लिहाज से भी। लेकिन इन सब के बीच कावरा साहब, RBI से क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं? देखिए RBI का रोल तो बहुत सीमित है, क्योंकि बैंक कर्ज कितने दर पर मिलता है, कर्ज की उपलब्धि, कर्ज की ब्याज की दर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमेशा, और उसके हमारे यहाँ कमी नहीं है। 20-25% तक का जो एक्सपांशन हो रहा है, जो मुख्य बात यह है कि उसकी रन रेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप फैक्ट्री सेक्टर का जैसे देखेंगे जो कि लगभग संगठित क्षेत्र के बराबर है और जो उधार लेती उधार उनका काम चलता है, तो साल का सरकारी सर्वे दिखाता है कि 80 के दशक से 2010 के दशक में जो टोटल इंडस्ट्री की फैक्ट्री सेक्टर की टोटल रेवेन्यू एजेज में जो कर्ज का ब्याज जो होता है उसका अनुपात देख के 2% रह गया है। अब 2% के ऊपर उसका असली असर पड़ता है कि जो बचत करने वाले लोग हैं, बचत की दर में चेंज नहीं है, हमारी बचत के यहाँ ब्याज की दर निगेटिव है। ठीक। तो आप ये कहेंगे कि लोगों को 8 पैसा बचा करके 100 रुपये का और 50 रुपये का माल खरीदे तो लोग नहीं खरीदेंगे, 800 खरीदेंगे, इसलिए बचत कम इससे हो रही है। तो कि RBI का जो रोल है कि पॉजिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आम आदमी को, बचत करने वालों को, हाउस होल्ड सेक्टर को, कॉर्पोरेट्स को। आप इनकम ट्रांसफर एक तो इंटरेस्ट रेट की जरिए कर रहे हैं, दूसरा रुपये की कीमत लगातार कम, 19 पैसे रह गई है, तो कैसी कैसी इंडस्ट्री और क्या इस रुपए का जो असर है वो हमारी जो बड़ी समस्या है, मसलन हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, हमारा जो चालू खाते का घाटा है, उस पर भी व्यापक रूप से दिखता है? बिल्कुल दिखता है कि हमारे यहाँ देखिए जो अर्थव्यवस्था में मुख्य धारा के जो सिद्धांत हैं उनका इतना दिन रात प्रचार किया जा रहा है कि उनको एक ऐसा रूप दे दिया गया है कि GDP अपने आप में कोई महामंत्र है। अगर आपके GDP की वृद्धि हमारे कुविकास का सूचक है, आज सुविकास का सूचक नहीं है, क्योंकि उसमें रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार घटते हैं, उसमें जो कीमतें बढ़ती हैं उनके कारण जो आय का पुनर्वितरण होता है उत्पादक पक्ष में उसके उपभोक्ता से, हमारे ज़्यादातर लोग उपभोक्ता हैं, उत्पादक लोग कम हैं, तो इन सब बातों में उसका चरित्र जो है ये अपने GDP को विकास का एक माध्यम है, एक मंत्र है। लेकिन इन सब के बीच प्रकाश जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, राजनीति के लिहाज से भी जो संदेश की बात की जाती है, जिस माहौल की बात की जाती है, ये जो 5% का आंकड़ा है आपको लगता है राजनीतिक रूप से नुकसान है, बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी के लिए, सरकार के लिए? बिल्कुल नुकसान है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इन लोगों के लिए, और ये इलेक्शन का साल है, और इलेक्शन के साल में ये नॉट ओनली GDP का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये तीनों चीज़ें मिलके बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, और इस डेडली कॉम्बिनेशन को करप्शन तो खैर एक और दूसरा पहलू है,
ये उसको साइड में भी रख दें। ये तीनों चीज़ें बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है ना, और ये जो रूलिंग पार्टी है इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये जाहिर बात है कि अपोजिशन वाले इसको लेके बड़ा राजनीतिक रूप से बुराने की कोशिश करेंगे, और करना भी नुकसान क्या है। ठीक, क्यों ना करें, यही आप देर से पीछे क्यों ना करें। आफ्टर ऑल कोई समबडी हैज टू रेज द वॉइस। ठीक बात, आफ्टर ऑल इनके इनका रोल है। अगर वो राशिद अली साहब कह रहे हैं कि नहीं कंधे से कंधा मिला के चले, फिर अपोजिशन का है, फिर अपोजिशन का मतलब क्या, मतलब क्या हुआ जब आप लेकिन इन सबके बीच इस समस्या से उभरने के लिए क्या कुछ सरकार के पास विकल्प बचते हैं डॉक्टर दास, जिनके कदम अभी उठाए जा सकते हैं। देखिए, एक पॉइंट बहुत अहम काबरा साहब ने उठाया, और वो है कि सेविंग्स जी, हमें लगता है कि सरकार ने इधर पिछले कुछ दिनों से निवेश पर, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे विदेशी निवेश हो, उस पर बहुत कदम उठाए हैं, और वो कदम सार्थक होंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, लेकिन जब तक सार्थक नहीं होते हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन सेविंग्स को जितनी अहमियत हमारी इकोनॉमी में मिलनी चाहिए डोमेस्टिक सेविंग्स पे, और स्पेशली हाउस होल्ड सेविंग्स को, क्योंकि हमारे पास एज अस इनकम अर्नर हमारे पास ज़्यादा सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो आपको यील्ड और रिटर्न्स दे स्टॉक मार्केट के कुछ जगहों को छोड़कर। इसके अलावा कुछ और विकल्प और कुछ कदम और कुछ सुझाव जो आपको नजर आते हैं बहुत संक्षेप में? हमें लगता है कि हमें दूसरा जो कदम जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि आज का जो युग है और जो जिस एरा में हम रह रहे हैं उसमें हम लोगों का जो इंटीग्रेशन, जो ग्लोबल इंटीग्रेशन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उससे अलग रख करके, इंसुलेट करके जिन पॉलिसियों को अभी तक रखे हैं उनको थोड़ा सा कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने कुछ नेबरिंग और एक्सटेंडेड नेबरहुड में ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वो हमको एडिशनल मार्केट स्पेस देगा, हमारे केवल गुड्स और सर्विसेज के लिए ही नहीं, लेकिन एक हमारे इन्वेस्टमेंट्स और हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट स्पेस प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत के बारे में भी सोचना होगा व्यापार के लिहाज से। बहुत सारी यात्राएं कम से कम सरकार के स्तर पर की जाती रही हैं पिछले कुछ दिनों में, लगातार हम देख रहे हैं। अंजन भाई, आपका सुझाव? सेविंग्स के लिए, सेविंग्स प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स वेयर द प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट इज बीइंग इन्फ्लेशन इंडेक्स। दिस इज अ वेरी मेजर स्टेप्स आरबीआई टेकन, बट आई वुड से देयर इज नो पॉलिसी पैरालिसिस एज सच, देयर इज टोटल एक्शन पैरालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव programs, we have investment proposals, but nothing is taking off the ground because these are not getting clearances. All kinds of clearances are being held up, and particularly land also. Now, these are very difficult issues, political issues also, land for industry. सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है, उद्योग जगत अपने लिहाज से सोचता है, लेकिन आपको भी सिर्फ आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, कुछ समाधान जो आपको लगता हो सरकार को उठाना चाहिए, काम करना चाहिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि काले धन पर आप रोक लगाइए। तो हिंदुस्तान में जो गलत इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, मैंने कहा अनुचित अनावश्यक चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, महल बन रहे हैं, और आम आदमी के लिए मकान नहीं बन पा रहा है, और इसी तरह से गाँवों में एक ईंटों की सड़क तक नहीं बन पा रही है अधिकांश गाँव में। ठीक है, और आपके यहाँ बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं, तो इन सब के पीछे काला धन और इस तरह की चीज़ें हैं, आप उस काले धन से निजात पाइए, उत्पादन का और उपभोग का चरित्र बदल। चलिए, तो अलग अलग सुझाव भी हैं सरकार के लिए, मसलन घरेलू बचत की बात की जा रही है यहाँ पर, जो एक्शन है उसी में पैरालिसिस जैसी स्थिति है, उसी में जड़ता जैसी स्थिति है, कुछ काम होता नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो बात काबरा साहब कह रहे हैं वो ये कि विकास के भी कुछ अपने मायने होने चाहिए, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और जो बात प्रकाश जी कह रहे हैं वो खासी अहम है राजनीतिक लिहाज से, कि बहुत सारे मुद्दे हैं आर्थिक मोर्चे पर भी विपक्ष के पास, तमाम प्रतिपक्ष के पास, जिनको वो राजनीतिक रूप से बनाने की कोशिश करेगी, और संसदीय व्यवस्था में ये ज़रूरी भी है, लोकतंत्र में ये ज़रूरी भी है। ऐसे में सरकार क्या कुछ कदम उठाती है ये देखना होगा, क्योंकि जानकार मान रहे हैं कि 5% की वृद्धि दर भी बहुत ज़्यादा निराशा वाली स्थिति नहीं है, इससे आगे बढ़ा जा सकता है, ये भी सुधार की गुंजाइश बचती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।